साथियों, हमारी नीयत नेक है और संवेदनशील भी है। हमारे फैसलों में मजबूती है और इरादों में भी उतनी ही मजबूती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जीएसटी कभी भारत में लागू होगा, और हमने ये करके दिखाया। दिवालिया होने की स्थिति में देश की कंपनियों के पास कोई स्पष्ट एग्जिट रूट नहीं था। आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी न सिर्फ एक सच्चाई है, बल्कि लाखों करोड़ की फंसी हुई राशि की वापसी का कारण बन रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म भी बरसों से अटका हुआ था, इस दिशा में भी तेजी के साथ, बुलंद हौसले के साथ हमारी ही सरकार आगे बढ़ी। कल ही हमने देश के मध्यम वर्ग के ध्यान में रखते हुए, शायद आज स्थानीय अखबारों में ये खबर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, छूटपूट कुछ टीवी में नजर आ रहा है, लेकिन कल शाम को हमने कैबिनेट में मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों के अपने घर के सपनों को, उनके बरसों से अधूरे सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और इसी इरादे के साथ हुआ क्या, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया, किसी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ उन्होंने तय किया कि भाई एक साल में मकान मिलेगा, दो साल में मिल जाएगा। उसने भी 70-80% काम किया, 10%, 20%, 30% रह गया। न इसको मकान मिलता है, न वो किराया वाले मकान से बाहर निकल करके किराए से मुक्त होता है, न वो बैंक का ब्याज भर पा रहा है। मध्यम वर्ग का परिवार ऐसी चीजों में फंस गया। उससे बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कल हमने करके करीब 4.5 लाख परिवार, जिनके पैसे इन घरों में, आज घर मिलेगा कर मिलेगा, इस इंतजार में पड़े हैं और दो दो पांच पांच सात सात साल से वो इंतजार कर रहे हैं, उनको मुक्ति देने का एक बहुत बड़ा काम कल हमने किया है। और इसी इरादे के साथ अब हमने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार प्रक्रियाओं की डी बॉटलनेकिंग पर बल दे रही है, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रही है, टाइम लिमिट में फैसले ले रही है। हमारी कोशिश टैक्स रेजिम को कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की है। इस कड़ी में कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज भारत दुनिया की सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्थाओं में से एक बन गया है। इस साल 1 अक्टूबर के बाद जो भी नई घरेलू कंपनियां खुली हैं, उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया है। साथियों, पिछले महीने ही ई असेसमेंट स्कीम लागू की जा चुकी है, यानी टैक्स सिस्टम में अब ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम किया जा रहा है। इससे अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी और टैक्स से जुड़े मामलों का भी तेजी से निपटारा होगा।